आप सभी का स्वागत है फिर और एक बार हमारी अगली वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको और एक खास चीज़ बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, क्राउड फंडिंग और बूटस्ट्रैपिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं VC यानी कि वेंचर कैपिटल और बूटस्ट्रैपिंग इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। कुछ कुछ लोग बोलेंगे भाई हमें क्राउड फंडिंग नहीं चाहिए, और ऑप्शन है क्या VCs का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो वही हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्राउड फंडिंग करनी चाहिए या VC करनी चाहिए। तो अभी वीडियो की तरफ बढ़ते, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पे स्टार्टअप के रिगार्डिंग जो भी चीज़ आप सोच सकते हो और जो भी आप नहीं सोच सकते, बियॉन्ड आपकी इमेजिनेशन, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें भी आपको स्टार्टअप के रिगार्डिंग इस चैनल पे मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी बढ़ते हमारी वीडियो की तरफ। देखिए, आजकल ऐसा हो रहा है स्टार्टअप में कि अगर आपने VC से पैसा नहीं उठाया, यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो स्टार्टअप के अंदर। देखिए, मतलब लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है, अगर आपको VC से पैसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप स्टार्टअप के अंदर फेल हो रहे हो। आप जल्दी फेल होने वाले हो, अगर नहीं हुए तो आप लंबे चल नहीं पाओगे। क्योंकि एक VC का पैसा, यानी VC से जो हम फंडिंग उठाते हैं, वो मतलब एक स्टैंडर्ड बन चुका है लोगों के दिमाग में। मतलब एक ग्लैमर हो गया वो कि भाई पैसा, अगर स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आपने VC से पैसा नहीं उठाया तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। तो ये सारा एक गलत माइंडसेट जा रहा है लोगों का, कि लोग बहुत बार भूल जाते हैं कि भाई VCs के भी कुछ फ़ायदे और नुकसान है। और होता यह है कि फाउंडर्स के ऊपर हमेशा प्रेशर होता है कि VC से आप पैसा उठा लो, पैसा उठा लो, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, एक्सपांड कर पाओगे, ये करोगे, वो करोगे। मतलब बहुत तरीके से फाउंडर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो इस केस में ना, आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आप खुद फाउंडर हो तो अगर आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो ना, आप उसी के साथ आगे बढ़ो। मेरी बात सुनो, आप बूटस्ट्रैप करो, अगर उसी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जितना टाइम तक आप बूटस्ट्रैपिंग के साथ आगे जाओगे, आपको फ़ायदा रहेगा, आपकी जो इक्विटी है वो कम से कम डाइल्यूट होगी आने वाले टाइम में। अगर आप अभी VC के पास जाओगे, आपका जो वैल्यूएशन है स्टार्टअप का बड़ा कम है, यानी कि VC आपकी जो स्टार्टअप है, आपकी जो कंपनी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा लेके जाएगा और उसको फ़ायदा हो जाएगा वो। बट आप रिस्क पे आ जाओगे, क्योंकि आपका जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो अभी घट गया। बट अगर अभी आपने कंट्रोल कर लिया, अगर आपने VCs के बजाय बूटस्ट्रैपिंग कर ली, तो आने वाले टाइम में आप सभी को इसका फ़ायदा होगा कि आपकी जो इक्विटी वो कम डाइल्यूट होगी कंपेयर टू पास्ट टाइम। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए कि आपको खुद के पैसों के, यानी कि बूटस्ट्रैपिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी इसके मैं रीज़न भी बताऊंगा, 4 रीज़न है मेरे पास आज कि क्यों आपको बूटस्ट्रैपिंग करनी चाहिए, और ये रीज़न आपको इतना ये कर देंगे, विश्वास दिला देंगे कि आपको बूटस्ट्रैपिंग ही करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं हर एक रीज़न को। तो बूटस्ट्रैपिंग करने का जो सबसे पहला फ़ायदा होता है, वो होता है कि आपको ग्रोथ में बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अभी एक केस है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई भी व्यक्ति या आप खुद बूटस्ट्रैप कर रहे हो, आपके पास कैश लिमिटेड है, राइट? आप एक मिडिल क्लास फैमिली से या पुअर फैमिली से हो, कैसा भी हो सकता है, बट आपके पास एक कैश लिमिटेड है, तो आप एक लिमिटेड कैश के साथ अपना स्टार्टअप चालू करो। तो सबसे पहली बात, आप जो टीम देखोगे वो एक परफेक्ट टीम देखोगे आपके स्टार्टअप के प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग, सही है? और उस टाइम पर आप ये हमेशा कोशिश करोगे कि भाई मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मैं इनको पे कर रहा हूँ, राइट? मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मैं इनको पे कर रहा हूँ, तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए इन लोगों से। तो आप ऐसे लोग ढूंढोगे कि जो आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सके। तो इसका फ़ायदा आपकी ग्रोथ के ऊपर बड़ा होने वाला है अगर आप स्टार्टअप में हो। तो ये पहली, मतलब पहला पॉइंट यही है कि इसके कारण आपको, आपकी जो ग्रोथ है उसमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा अगर आपने बूटस्ट्रैप किया तो। क्योंकि आप कॉस्ट एफिशिएंसी भी सीख जाते हो कि भाई कम पैसों में ज़्यादा रिटर्न कैसे पाया जाए, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, ये बाय द टाइम सीख जाते हो जब आप एक बूटस्ट्रैपिंग कर लेते हो। तो ये बाय द टाइम चलने वाला प्रोसेस है। तो जो दूसरा पॉइंट होता है कि जिसका फ़ायदा आपको होगा बूटस्ट्रैपिंग करने के कारण, वो ये है कि देखिए, आप जो भी स्टार्टअप चालू कर रहे हो, आपका स्टार्टिंग में आपके पास 100% होता है आपके स्टार्टअप का, सही है? अगर आपने स्टार्टिंग में ही VC से पैसा उठा लिया, तो आपकी इक्विटी डाइल्यूट हो रही है। या तो मैंने पिछली वीडियो में क्राउड फंडिंग के बारे में बताया था, अगर आपने क्राउड फंडिंग इक्विटी क्राउड फंडिंग से किया, तो आपकी एट द एंड इक्विटी डाइल्यूट हो रही है, यानी कि आपकी इक्विटी दूसरे लोगों को जा रही है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। आप उनसे पैसा ले रहे हो और आप उनको इक्विटी दे रहे हो। तो होता क्या है कि लॉन्ग रन में आपके पास ज़्यादा इक्विटी रहती नहीं है। ऐसी कहानी फेसबुक के साथ हुई है। मतलब आप एक फेसबुक एक जो पिक्चर है, या आप वेब सीरीज़ बोल लो, उसको देख लो एक बार। उसमें उन्होंने एक चीज़ समझाई है, इस पॉइंट को उन्होंने कवर अप किया है। तो मतलब अगर आपके पास आपकी कंपनी के 100% इक्विटी लॉन्ग रन में नहीं है, आप स्टार्टिंग में पैसा उठा लेते हो, तो किसी फ़ायदे का नहीं है। आपको स्टार्टिंग में कोशिश ये करनी कि बूटस्ट्रैप करें, ताकि आपकी जो इक्विटी है, कंपनी की भागीदारी, जो हिस्सेदारी है, वो डाइल्यूट ना हो जाए, और उसके कारण लॉन्ग रन में आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो फ़ायदा होने वाला है, वो घट ना जाए।
तो तीसरा फ़ायदा बूटस्ट्रैपिंग का करने का ऐसा होता है कि आपको एक प्रेशर आ जाता है, एक अच्छा एक हेल्दी प्रेशर आ जाता है कि आपको जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल होना है, आपको एक ब्रेक इवन तक पहुंचना है। अभी ये कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखिए, जब भी आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो, एज आई सेड, पैसा लिमिटेड है तो आपके पास कॉस्ट इफिशियंसी आ गया, आप सीख रहे हो कम पैसों में मैक्सिमम आउटकम लाने के लिए, राइट। तो इस प्रोसेस में होता है कि आपके ऊपर प्रेशर होता है, हमेशा प्रेशर होता है कि भाई मेरे पास पैसा लिमिटेड है, मेरे पास रनवे कम टाइम का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, और मुझे जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल होना है। अगर नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा। फेल नहीं कह सकते क्योंकि आगे चल के आप पैसा उठा सकते हो, बट मुझे वीसीस के पास तुरंत जाना पड़ेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। मैंने 6 रन के लिए बूटस्ट्रैप किया और तुरंत वीसीस से पैसा लिया, कुछ फ़ायदा नहीं। अगर मैं स्टार्टिंग में क्राउड फंडिंग कर लेता तो उससे फ़ायदा हो जाता मेरा। मतलब एक कॉमन कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है जल्द से जल्द ब्रेक इवन तक पहुंचने का। अभी कुछ कुछ लोगों को ब्रेक इवन के लिए 3 साल जाते हैं, कुछ कुछ को 10 साल तक भी ब्रेक इवन नहीं मिलता है, और कुछ लोग 6 महीने के अंदर ब्रेक इवन तक पहुंच जाते हैं कि जहाँ से उनका एक्चुअल प्रॉफिट आना चालू हो जाता है। तो मतलब बूटस्ट्रैपिंग में ये जो बूटस्ट्रैपिंग है, ये आपको फोर्स करेगा, आपको प्रेशराइज़ करेगा जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल होने के लिए, और यही चीज़ आपको फ़ायदे में देगी। अगर आपने बीसी से पैसा उठा लिया तो आपके पास क्या है भाई, पैसा है, धीरे धीरे चलो, हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं है आगे बढ़ने का, ठीक है, कोई नहीं, हम चल जाएंगे। मतलब एक अलग सा माइंडसेट हो जाता है तब कि भाई हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास रिसोर्स है पैसा आने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। और आप स्टार्टअप सक्सेस होने के बजाय आपका फेल होने की तरफ बढ़ जाता है। तो ये था हमारा तीसरा फ़ायदा, अभी बढ़ जाए चौथे फ़ायदे की तरफ। तो जो फोर्थ नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो बूटस्ट्रैप करने का होता है, ऐसा है कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि पैसा लिमिटेड है, कम टाइम का रनवे है, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है अच्छी चीज़ लाने के लिए, जल्दी से जल्द प्रॉफिटेबल होने के लिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आप करोगे क्या? एट द एंड देखो, आप कोई भी कंपनी देख लो दुनिया की, बेसिकली वो किसके बेसिस पे चल रही है, कस्टमर के। कस्टमर को अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तभी कस्टमर ले रहा है और तभी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, कॉमन सेंस है, राइट। अगर आपने कस्टमर एक्सपीरियंस या प्रोडक्ट डेवलप अच्छा नहीं किया जो कस्टमर को चाहिए, तो एट द एंड आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तो उसका फ़ायदा ऐसा होता है कि आप कस्टमर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो रैदर दैन कि दूसरे लोगों के ऊपर, राइट, यानी कि इन्वेस्टर के ऊपर। आपने बूटस्ट्रैप किया है तो आप इन्वेस्टर के बारे में कुछ आपका चक्कर ही नहीं कि भाई सोचने के लिए, और आप जो कस्टमर के बारे में सोच रहे हो वो इतना अच्छे से सोचने लग जाते हो प्रेशर के कारण और जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल होने के कारण, कि आप एक ऐसी सर्विस बना देते हो कि आपका एक मोनोपोली बन जाती है मार्केट में, राइट। लोग पीछे छूट जाते हैं, आप आगे चले आते हो, जो जिसने वीसी से पैसा उठाया वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो भाई टहल रहे, वो आराम से चल रहे कि भाई ठीक है पैसा आ रहा है सब हो जाएगा। बट आप बूटस्ट्रैप किया है आपने, आपको पता है आपके पास रनवे कम है, प्रेशर है आपके ऊपर जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल होना है, कस्टमर ज़्यादा चाहिए, तो आप करते क्या, आप हार्डवर्क करते हो, कस्टमर के ऊपर फोकस करते हो और कस्टमर को जो चाहिए वो देते हो। तो इसके कारण जो वीसी वाले हो पीछे छूट जाते हो और आप आगे निकल के आते हो, यानी कि आपकी मोनोपोली बन जाती है एक मार्केट के अंदर। और फिर आप अगर आप कुछ यूनिक ला रहे हो प्रोडक्ट के अंदर तो पेटेंट कर लो आपके प्रोडक्ट को, कुछ टाइम तक, एक सर्टन टाइम तक आपकी मोनोपोली मार्केट में रहेगी, आपको फ़ायदा ही है। तो ये 4 फायदे मैंने बूटस्ट्रैपिंग के बारे में आप सभी को इस वीडियो में एक्सप्लेन किए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बूटस्ट्रैपिंग का महत्व, जो इम्पोर्टेंस है मेरे लिए और मेरा ऑल टाइम फेवरेट की हुई, ये समझ में आया होगा। और अगर आप बूटस्ट्रैप करने वाले हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसा और कंटेंट मैं दे पाऊँ इसलिए मुझे मोटिवेट होना इम्पोर्टेंट है। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको स्टार्टअप के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट आप सोच सकते हो या जो भी आप नहीं सोच सकते, जो आपके दिमाग से परे, जिस टॉपिक तक अभी तक आप पहुँचे नहीं हो, वो इस चैनल पर आपको मैं देने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ इस चैनल के साथ, और कमेंट में बताओ आप और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो। मैं जल्द से जल्द उन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।